स्वागत है आप सभी का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हम तीसरे पार्ट के कुछ सवाल कर रहे थे, उससे संबंधित जो खोखला गोला है और चालक गोला है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया था, वो ठोस जो आपके पास कुचालक गोला है उसका किया था। आज हम करते हैं जो खोखला गोला है उससे संबंधित सवाल करते हैं। सवाल को समझते हैं बेटा। सवाल है, 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले को प्लस 15 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। ठीक है जी, तो ज्ञात कीजिए गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के केंद्र पर, और गोले के केंद्र से 0.1 मीटर दूरी पर विभव क्या होगा, और गोले के केंद्र पर विभव केंद्र से 0.3 मीटर दूरी पर क्या होगा, ये याद कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम गोले के पृष्ठ पर विभव याद करेंगे। तो गोले के पृष्ठ पर विभव तो आपको ध्यान रखना है, गोले के पृष्ठ पर विभव क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला क्या था गोले के पृष्ठ पर विभव का, VS = KQ/R। फॉर्मूला याद होना चाहिए, K का मान वैल्यू रख देंगे 9×10^9, Q का मान आपको दे रखा है, आवेश है 15, तो माइक्रो कूलम में चेंज करेंगे 10^-6, और R पृष्ठ पर याद कर रहे हैं, और पृष्ठ जो है वो गोले का त्रिज्या के दूरी जो है उसके बराबर केंद्र से, तो 0.2 मीटर। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना है। पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, 10, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। सॉल्व करो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 15×5 = 75, 7, 15×30 = 45, 15×60 और 7×67। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और 10 की पावर कितनी है, 9 में से 6 और 1 ये है, 9 और 1 10, 10 में 6 है 10^4। और विभव का आज जो मात्रक है वो होता है वोल्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपके पास है वो है गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, तो हमने पढ़ा है गोले के केंद्र पर वही होगा मान जो विभव पर, जो पृष्ठ पर होता है, तो गोले के केंद्र पर विभव जो है उसका मान बराबर होता है गोले के पृष्ठ पर विभव के, गोले के पृष्ठ पर जो विभव है उसके बराबर होता है, और पृष्ठ पर विभव ही आ गया तो इसका मतलब केंद्र पर भी मान यही रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है उसको सोल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझेंगे। तीसरा है गोले के केंद्र से 0.1 मीटर दूरी पर विभव। 0.1 मीटर कहाँ होगा, 0.2 मीटर का त्रिज्या का जो खोखला गोला है उसमें 0.1 मीटर अंदर हो गया, और गोले के अंदर, इसका मतलब 0.1 मीटर जो है वो कहाँ होगा, गोले के अंदर। तो गोले के अंदर जो है विभव याद करेंगे तो उसका सूत्र क्या होगा, KQ/R, वही R होगा जो पृष्ठ पर केंद्र पर है, वही मान अंदर है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो मान यही आएगा। जो आपके पास लास्ट है चौथे नंबर पर वो है गोले के केंद्र से हाँ जी, गोले के केंद्र से 0.3 मीटर दूरी पर, ध्यान रहे इसमें सॉरी ये मान नहीं रहेगा, R का जो मान है वो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो केंद्र है उसके अप्रोक्सीमेट जो है अंदर मान जो है वो बराबर आएगा गोले के केंद्र से 0.3 मीटर का, मतलब KQ/r, K का मान 9×10^9, Q का मान आपके पास है 15×10^-6, और छोटा r जो है उसका मान है 0.3। पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा इधर, और 3×9 15×45, ठीक है जी, और 10 में से 6×10^4 वोल्ट, तो ये आ जाएगा। ये गोले के केंद्र से 0.3 मीटर कहाँ होगा, गोले के बाहर होगा, क्योंकि 2 मीटर त्रिज्या का, तो 0.2 मीटर त्रिज्या का तो ये गोला ही है, तो ये बाहर हो जाएगा। जो दूरियां आपको दे रखी 0.1 दे रखी, तो 0.1 रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, पृष्ठ का जो मान है वो 0.2 रख के हमने सोल्व कर ही लिया, पृष्ठ पर है वही केंद्र पे है। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। कोई दिक्कत हो फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। ठीक है, क्लियर।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल था ये जो आपके लिए करवाया मैंने, थैंक यू, थैंक यू।